अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 14, रिमेनिंग क्वेश्चन 14.6 टू 14.10। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 14.6। टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। हमने दो चार्ज पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड्स में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो वेलोसिटी थी वो ऑपोजिट हो गई, यानी कि चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव कर गए। तो इसकी रीज़न क्या थी? इसकी एक रीज़न ये है कि जैसे ही हमने इनको इधर प्रोजेक्ट किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके ऊपर असरअंदाज हुई, चूँकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो इसकी वजह से इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, वो चेंज हो गई। और दूसरा में ये पता चला कि चूँकि ये ऑपोजिट मूव कर गए हैं, तो ऑपोजिट मूव इस वजह से किए हैं कि एक चार्ज जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था और दूसरा जो था वो नेगेटिव चार्ज था, इसकी वजह से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। 14.7। इफ अ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट मोशन है उसकी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है, या वहाँ पे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो क्या आप कहेंगे? तो ये है कि ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद ना हो। तो हम अगर कहें कि पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, पहली कंडीशन ये मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो हो। दूसरा ये है कि ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन पार्टिकल की जो मोशन है वो स्ट्रेट मोशन है, अलॉन्ग द फील्ड लाइन है, तो एंगल जो है वो उसकी मोशन का जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान वो ज़ीरो बनेगा। और हमें पता है फोर्स होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह हम ज़ीरो पुट कर दें तो क्या होगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, और फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। इसलिए पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में मूव करता रहेगा। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर हो जैसे है, लेकिन पार्टिकल बजाय इधर मूव करने के वो ओपोजिटली मूव करे, इस सूरत में इधर मूव करे, इधर मूव करे, तो फिर क्या होगा कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, ज़ीरो की बजाय 180 डिग्री। तो इस सूरत में भी साइन 180 कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो दोनों सूरतों में फोर्स क्या होगी, ज़ीरो, और पार्टिकल अपनी स्ट्रेट मोशन को जारी रखेगा। Why does the picture of TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? हम TV के करीब जो है वो मैग्नेट को लाते हैं तो जो उसकी पिक्चर है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक्चुअली रीज़न ये होती है कि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और यहाँ पर जो TV स्क्रीन है उसके बैक साइड पे जो पिक्चर हमें नज़र आ रही होती है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे ही हम मैग्नेट को वो क्या करते हैं, स्क्रीन के करीब करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिंग फोर्स उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, जो पिक्चर ब्लर हो जाती है और TV की स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाती है। 14.9 है, इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। क्या ऐसा हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में लूप को इस तरह रखें कि वो रोटेट ना करे? तो ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बने 90 डिग्री, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कॉज 90 ज़ीरो होता है और टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा और लूप जो है वो रोटेट भी नहीं करेगा। 14.10 है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन स्पेस। हमें कैसे पता चलेगा कि एक रीजन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, अगर हम करंट कैरिंग लूप को रखें तो? तो स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा कि हमें एक टॉर्क का फार्मूला पता है, BIN A cos alpha। तो हम अगर लूप को कुछ इस तरह से रखें कि जो प्लेन ऑफ द लूप है,
यानी कि ये जो है एरिया है इसका प्लेन ऑफ द लूप जो है यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस सूरत में क्या होगा, जो करंट कैरिंग लूप है वो रोटेट करेगा, और रोटेट करने की सूरत में हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक भी कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।